टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। बीजेपी नेता ने फायरिंग कर अनिल यादव की हत्या कर दी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना वाराणसी के मलिहा क्षेत्र की गायत्री चौराहे पर हुई। इस घटना के बाद बीजेपी नेता रोशन त्रिवेदी को लोगों ने पकड़कर पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले किया। और यही नहीं, बीजेपी नेता के खिलाफ गांव के रहवासियों में आक्रोश देखने को मिला। काफी देर हंगामा चला, पुलिस समझाती रही। घटना हुई है, घटना की FIR दीजिए, जिसको चोट लगी है उसको आप लिख करके दीजिए, चोट का लिख के दीजिए, आप सारी चीजें लिखवाइए। जो देखिए, जो लीगल प्रोसेस है, जो विधि प्रक्रिया है, जो कानूनी रास्ता है, कानूनी रास्ता साफ रखिए। ये अस्पताल है, कोरोना के तमाम सारे मरीज आ रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है, कैसा कोई काम मत करिए जो कानूनी रूप से गलत हो। नहीं, आप लंका थाने आप यहीं पे लिख करके दे दीजिए। मैं यहीं पे आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको FIR दिखाने के लिए थाने जाने की जरूरत है, मैं कोई चीज नहीं, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसमें आपके साथ खड़ा हूँ भाई। जो परिवार है, मतलब दुख तो मैं कर रहा हूँ, मैं आपका दुख समझ रहा हूँ भाई। उससे ज्यादा पीड़ा क्या होगी इनके लिए। लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई बेवकूफी वाला स्टेटमेंट मत दीजिए। अब आप हमसे बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं भाई। जो कानूनी बात करो ना, अगर जहां तक कानूनी रास्ते पे चलेंगे, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। आप अगर सुन लीजिए, आप में से अगर एक भी कहीं कोई कानूनी रास्ता, किसी ने कानून का तोड़ने की कोशिश की, किसी ने कोई गलत ऐसी एक्टिविटी की, तो वहाँ पे हमारा फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके साथ भी जो कानून बनेगा, उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। इसी तरह मामला शांत हुआ। गांव के लोगों ने बताया, 3 से 4 लोग आए थे बाइक हटाने को लेकर अनिल यादव की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर हत्यारे को तलाश में जुटी है। और आखिर हत्या करने की वजह क्या है, कोई पुरानी रंजिश के तहत या हत्या की किसी और वजह है? अभी तक जो बात सामने आई है वो यही है कि बाइक हटाने को लेकर कहा सुनी हुई और कार से आए 3 से 4 लोग, उनमें से 2 लोग पहले रॉड से हमला किया, बाद में गोली मारकर हत्या कर दी।